उज्जैन जिले के बड़नगर नगर पालिका के अधिकारियों की लापरवाही बस स्टैंड पर देखी जा सकती है। बस स्टैंड पर जो चैम्बर है उसके ऊपर लगी हुई जाली खराब हो चुकी है, जिसकी वजह से वाहन चालक आने जाने के दौरान परेशान हो रहे हैं। साथ ही बेजुबान जानवर मवेशियों के पैर इन टूटी हुई जालियों में फंस जाते हैं। पूर्व में कई बार दुर्घटनाएं घटित हो चुकी हैं, पर नगर पालिका निगम के लापरवाह अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया और ना ही चैम्बर के ऊपर लगी हुई जालियों को सुधारा गया। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। बताइए क्या नाम है आपका? और मेरा नाम शाकिर भाई है और मैं यहाँ पे बस स्टैंड पर ऑटो चलाता हूँ। ये हमारे दिलीप भाई ये भी ऑटो चलाते हैं। काफ़ी दिनों से यहाँ पे लोग परेशान हैं। पानी की व्यवस्था तो होती है लेकिन नालियाँ साफ नहीं है। शिवरात्रि के दिन भी यहाँ पे भगवान की प्रतिमा रखी थी, नाली साफ नहीं करी और वो वहाँ पर वो जाली टूटी हुई है, उसके अंदर पैर सांड गिर जाता है, गाय गिर जाती है, उसके पैर में लग जाती है, एक इंसान भी गिर गया उसके पैर में लग गई भालोदा का, उसको हमने निकाला दिलीप भाई ने हमने। और ये देखो बस की हालत यहाँ से है, मतलब ये लगा रखे नगर पालिका लोहे के। शिवराज जी आए थे जब वो टूटा हुआ यहाँ लगा दिया और यहाँ का ये इन्होंने यहाँ पे लग दिया और ये भी टूट गया। शिवराज सिंह जी को आए हुए चुनाव के टाइम पे आए थे, वो चुनाव भी जीत गए, बाकी अभी तक ये लोहे की इंगलें नहीं बदली है और ये भी टूट गई। बस के टायर फूटते हैं इससे रोज। सारे लोग परेशान होते हैं, सारे लोग परेशान होते हैं, आम जनता भी परेशान होती है। बेचारे कोई मोटरसाइकिल वाला आता है एकदम ध्यान नहीं रहती, वो टकरा जाता है और इसमें जानवर वगैरह गिरते हैं और ये बस वाले परेशान हैं। देखो बस भी निकल के जाएगी तो काफ़ी परेशानी आती है यहाँ पे ट्रैफिक की वजह से। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।